हेलो स्टूडेंट्स, देखिए टेंस में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान के लिए, जिन हिंदी वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस से तो वह रहा, रही, रहे और फ्यूचर से होगा गा, गे, गी। इसका मतलब पहचान के लिए, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि, ये इसकी पहचान होगी। इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में नंबर पहला पढ़ा चलता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के लिए विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नंबर सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस वर्ब बी फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। एक बार ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में अगर विल बी ऑब्लिक शैल बी के मध्य में, यानी कि विल के बाद या शैल के बाद नॉट का यूज करोगे। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल ऑब्लिक शैल इनको स्टार्टिंग में ले जाते हैं। Will oblique shall plus subject plus be plus verb be form plus object and other word. और लास्ट में क्वेश्चन नंबर फोर नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए will ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। नंबर फाइव WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगेंगे प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए वाक्य को पढ़िए, वह बाजार क्यों जा रहा होगा। वाक्य के अंत में रहा होगा, इसका मतलब यह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। दूसरी बात, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात, वाक्य कैसे शुरू हुई है और वाक्य में क्यों आ गया, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, और वाई में डब्ल्यू, ये वाई है, ये WH वर्ड है। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर काम आएगा।
सबसे पहले वाई, इसके बाद में बी ऑब्लिक शेल। हमने आपको बताया था ये भी करता, आई भी आता है तो उसके साथ में शेल और बाकी से सभी कर्ताओं के साथ में बी यूज करते हैं। अब वह को बोलते हैं कि अगर गा है तो वह मैस्कुलाइन जेंडर है और अगर गी होती तो वह फेमिनाइन जेंडर हो जाता। स्टिल वही और ही के बाद साथ में अपन विल यूज करेंगे। विल, ही, बी और जाना गो, गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, गोइंग टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल ले लो दोबारा से, वह बाजार क्यों जा रहा होगा, वही विल ही बी गोइंग टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, वाक्य हमारा सिंपल है क्योंकि वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम है और वाक्य में ना तो कहीं नहीं है और ना कहीं क्या है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, एग्जाम्पल है। तो पॉजिटिव के लिए राम। इसके बाद में विलोम है राम के साथ में विल, पढ़ना रीड और बोथ फॉर्म के लिए आईएनजी होते हैं, रीडिंग। इसके साथ में बी हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है ना, बुक। एग्जांपल बन गया, राम विल बी रीडिंग द बुक, कि राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। अगर वाक्य में नहीं आ जाए पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे नोट मार्क करेंगे, 1, 2 और 3, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होगा कि क्या राम पुस्तक पढ़ रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, वे को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, विल राम be reading the book or last में question marks। और अगर interrogative negative में होता कि क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, third number पे not लगा। तो ये हमारा negative interrogative का sentence। okay, फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद में थर्ड नंबर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मेन वर्ब, इसमें अपन विल हैव ऑब्लिक शेल है और परफेक्ट के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसमें यूज नहीं होगा। तो देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मेन वर्ब, इसके लिए विल हैव ऑब्लिक शेल है और परफेक्ट के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहचान, जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी चुके होंगे आदि अगर आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य होगा। बात करते हैं स्केचर की।
पिक्चर में नंबर वन पॉजिटिव, पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नंबर सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव ऑब्लिक शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। इंट्रोगेटिव, इसके लिए सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल को स्टार्टिंग में लेना है, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब एंड क्वेश्चन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब एंड क्वेश्चन। नंबर फाइव डब्ल्यू एच वर्ड है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब एंड क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए पांच स्ट्रक्चर देख लो, साथ में आप लर्न भी कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल देखो, सीता मैच जीत चुकी होगी, वाकी के अंत में चुकी होगी। देखो चुका चुकी चुके के लिए परफेक्ट और गा गेगी फ्यूचर, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दूसरी बात ये है कि हमारे जो वाक्य है वो सिंपल है क्योंकि लास्ट में पूर्ण विराम है और वाक्य सीता यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो सीता के साथ में विल हैव जीतना वर्ब है, जीतने को बोलते हैं विन, तो विन वॉन वॉन। इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होते हैं, वॉन द मैच, सीता विल हैव वॉन द मैच। अगर वाक्य नेगेटिव होता क्योंकि नहीं आ गया तो नेगेटिव है, सीता मैच नहीं जीत चुकी होगी तो सीता विल नॉट हैव वॉन द मैच। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होता वाक्य के स्टार्ट में क्या होता तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। इसके लिए अपन विल को स्टार्टिंग में ले जाना है, तो विल सीता हैव वॉन द मैच है क्वेश्चन मार्क्स। और अगर नेगेटिव होता इसमें कि क्या सीता मैच नहीं जीत चुकी होगी तो सीता फिर विल सीता नॉट हैव वॉन द मैच। एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि तुम कब सो चुके होंगे, चुका चुकी के लिए तो परफेक्ट और गागी की के लिए फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। दूसरी बात वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स है
और वाक्य में कब आ रहा है, तब को इंग्लिश में बोलते हैं बहन, और बहन क्या है डब्ल्यू एच वर्ड। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखो बहन, इसके बाद में तुम यानी यू, यू के साथ में विल आता है, विल यू हैव, इसके बाद देखो वर्ब, वर्ब है सोना, सोने को बोलते हैं स्लीप, एस एल डब्ल्यू पी, इसकी सेकंड फॉर्म स्लैप और थर्ड फॉर्म भी स्लैप होती है, फर्स्ट फॉर्म स्लीप स्लैप स्लैप है क्वेश्चन। तो देखिए तुम कब सो चुके होंगे, बहन विल यू हैव स्लेप है क्वेश्चन। ओके फ्यूचर टेंस का लास्ट एंड फाइनल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस का ये जो चौथा भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस का सबसे लास्ट भाग है। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक वर्ब की बात कर लेते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ब के लिए आप वर्ब की फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए फॉर्म और परफेक्ट के लिए हैव बीन ऑब्लिक फ्यूचर के लिए विल ऑब्लिक शैल। सबसे पहले पहचान, जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि। तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, अगर आदि आता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। नंबर वन पॉजिटिव, पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड लास्ट में टाइम। मैंने आपको बताया था भाई आई वी के शब्द में आप शैल लगाओगे, बाकी सेस कर्ताओं के साथ में विल, वैसे ही विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन का प्रयोग भी ऐसा ही होगा। सेकेंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव से पहले लगाओगे, विल हैव फिर विल नॉट हैव बी ऑब्लिक शैल नॉट हैव बी प्लस वर्ब की फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम।
नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिल आपके चेक को स्टार्ट में ले जाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्बी फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन। नंबर फोर नेगेटिव इंटरव्यू, विल ऑब्जेक्शन प्लस सब्जेक्ट ऐसे पहले नोट कर देंगे, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन। नंबर फाइव डब्ल्यू एच वर्ड इंटरव्यू सेंटेंस, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल ऑब्जेक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारे पांचों स्ट्रक्चर हो गए। अब बात कर लेते हैं अपन एग्जांपल्स। देखिए वह सुबह से रो रहा होगा, वाक्य के अंत में आ गया भैया गागेगी, इसका मतलब फ्यूचर, रहा नहीं के लिए कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें आ रहा है समय, समय आ रहा है सुबह से, तो समय प्लस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, अगर आप यानी ये चीज आती है तो रो हमारा फ्यूचर पार्ट है, कंटिन्यूअस का वाक्य है। वह He will have be rona verb है, इसके साथ आई जोड़ दीजिए weeping, सुबह से निश्चित समय since morning, तो इसकी इंग्लिश बनेगी He will have been weeping since morning। अगर वाक्य नेगेटिव में यानी वह सुबह से नहीं रो रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, थर्ड नंबर में यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो यह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर वाक्य की स्टार्टिंग में क्या आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है तो यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम क्या करेंगे विल को शुरू में ले जाएंगे, तो विल ही हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क्स आता है। डब्ल्यू एच वर्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए गणेश 2 घंटे से क्या कर रहा होगा, गणेश 2 घंटे से, देखिए समय आ गया 2 घंटा, ये समय है टाइम नहीं, तो समय प्लस से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, तो ये फ्यूचर पर्फेक्ट है कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और बाकी कैसा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कैसे क्या आ रहा है, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं What? What एक WH word है, तो सबसे पहले WH word रख दीजिए What? गणेश किसी का नाम है, इसके साथ will यूज होगा, will
बनीज हैव बीन करना पहले तो ये शब्द होते हैं डू और इसके साथ आएंगे आप डूइंग दो घंटे से यानी शिशा में फॉर टू आवर्स लास्ट में क्वेश्चन तो व्हाट विल गणेश हैव बीन डूइंग फॉर टू आवर्स गणेश दो घंटे से क्या कर रहा होगा चलो स्टूडेंट्स ये हमारा 10 से जो टॉपिक है वो आज फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा जो नया टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।